हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंकल स्प्रेन यानी कि पैर की मोच के बाद आपको क्रैप बैंडेज, जिसे हम गर्म पट्टी भी कहते हैं, उसको सही तरीके से कैसे बांधना है। व्यूअर, जो एंकल स्प्रेन है बहुत ही कॉमन इंजरी होती है और मोस्टली ये बाहर की तरफ देखने को ज़्यादा मिलती है। सो व्यूअर्स, यदि आप एक क्रैप बैंडेज को प्रॉपर तरीके से बांधते हैं तो एंकल स्प्रेन को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा ये हमारी मदद करती है। क्रैप बैंडेज से क्या होगा, आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होगी, आपका दर्द कम होगा और साथ ही साथ ये हमारे एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखेगा, जिससे आगे इंजरी के होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे और हीलिंग हमारी बहुत जल्दी होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें क्रैप बैंडेज को बांधना है। सो व्यूअर, जब भी हम क्रैप बैंडेज बांधेंगे उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी फुट की पोजीशन, यानी कि आपका पंजा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर, इसे हमें न्यूट्रल पोजीशन में इस प्रकार रखना है। इसके बाद जब हम क्रैप बैंडेज को अप्लाई करेंगे तो हमें क्रैप बैंडेज को इस तरीके से पकड़ना है। यदि हम इसको उल्टी तरफ से पकड़ते हैं तो खोलने में हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमेशा इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। जब हम क्रैप बैंडेज को पंजे पर अप्लाई करेंगे उस वक्त हमारा जो लेवल है वो उंगलियों से थोड़ा सा ऊपर होगा, हमें उंगलियों के ऊपर क्रैप बैंडेज नहीं लगानी है। सबसे पहले हम एक एंकर लगाएंगे इस तरीके से, हम करीब 2 से 3 बार इसे रोल कर लेंगे, फिर इस तरीके से सर्कुलर मैनर में हमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। ध्यान रखें जो पट्टी का नीचे वाला लेयर है वो हमारे ऊपर वाले लेयर से करीब 50% तक ढका होना चाहिए। इस लाल लाइन को आप एक इंडिकेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप एंकल जॉइंट के पास में पहुंचेंगे हमें फिगर ऑफ 8 में क्रैप बैंडेज को अप्लाई करना है। इस तरीके से हम क्रैप बैंडेज को एंकल के आसपास रैप करेंगे, इससे हमारे एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलेगी। ध्यान रखें जब भी आप क्रैप बैंडेज लगाएं उस वक्त आपका जो क्रैप बैंडेज है उसमें क्रीसेस नहीं पड़नी चाहिए। यदि क्रीस पड़ती है तो हमारे स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज कर सकती है। इस तरीके से आपको इवन प्रेशर यानी कि समान प्रेशर के साथ में क्रैप बैंडेज को लगाना है और फाइनली इसको हम मेटल क्लिप के द्वारा बांध देंगे।